जिले के पांडू प्रखंड के अंतर्गत प्रखंड कार्यालय सभागार कक्ष में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता लखन पासवान ने की। बताते चले कि 1 जनवरी से पीडीएस राशन डीलर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं और देश भर के सभी पीडीएस दुकान बंद हैं। जानकारी देते हुए फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन पांडू के अध्यक्ष लखन पासवान एवं सचिव रामाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम सभी हड़ताल पर हैं। सरकार हम लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। सरकार से मांग करते हुए कहा गया कि सरकार हम लोगों को 50,000 रुपए का गारंटी इनकम मान दे दे, नहीं तो 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दे। पांडू से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। सरकार से हम लोग चाहते हैं कि क्या कराता है कि 21-22 के कमीशन हम लोग के बाकी है, कमीशन आज तक नहीं मिला। 2023 के कमीशन बाकी है, वो भी कमीशन मुझे नहीं मिला। अनुकंपा था, पहले अनुकंपा पर अनुज्ञप्ति निर्गत होती थी, अनुकंपा भी समाप्त कर दिया गया। साथ में गरीबी के देखते हुए हम लोग के कमीशन नहीं के बराबर है कि नहीं के बराबर है, इसको कम से कम मैनेज करके बढ़ाया जाए। जी धन्यवाद। ये बैठक का क्या कारण है, किसलिए बैठक हो रहा है? बैठक हम लोग का प्रदेश स्तरीय नहीं, पूरे केंद्र सरकार के विरुद्ध है। केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध में हम लोग 1 जनवरी 2024 से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर, सभी जन वितरण विक्रेता पूरे देश के हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो है गरीबों को 81 करोड़ जन कर्धारियों को देने के लिए मुफ्त में हो जा रही है, और हमारे देश के विक्रेता 5,38,000 जो है उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमारे बाल बच्चों को पढ़ने के लिए, हमारा रोजी रोजगार के लिए हम लोग को पैसा नहीं है उनके पास। उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग का पूरे देशव्यापी हड़ताल चल रहा है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी मांग है कि हम लोगों को 50,000 रुपया का गारंटी इनकम मान दे दे, नहीं तो कमीशन हमारा 300 रुपया प्रति क्विंटल दे, और गारंटी इनकम 50,000 हम सब जन वितरण विक्रेताओं का करें। जी धन्यवाद।